गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारी राइड का डे टू है। कल हमने नागपुर से ग्वालियर 715 किलोमीटर्स कवर किया और आज हमारा प्लान है ग्वालियर से चंडीगढ़ 600 किलोमीटर कवर करने का। लगेज हमारा ऑलमोस्ट सेट हो गया है, मेरे ख्याल से 6:45 हो रहे हैं अभी। हार्डली 5 मिनट में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये था वो होटल जहाँ हम रुके थे, वो शारदा। हाईवे के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं फिलहाल हम लोग। सोचा था हम लोगों ने 6 बजे तक निकल जाएंगे, बट जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। बट ठीक है, वो ऐसा कुछ लेट नहीं हुआ। हम लोग 7:05 पे हम लोग निकल गए थे। एंड आज का रास्ता काफ़ी अच्छा होने वाला है, मेनली क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे मिलने वाला है हमें। फुल कर दीजिए भैया। भैया यमुना एक्सप्रेसवे के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? आगरा के बाद से मिलेगा। यहाँ से आगरा का रास्ता कैसा है? यहाँ से आगरा तक का रास्ता कैसा है? अच्छा, कार्ड वहाँ स्वाइप कराना है। ट्रक के पीछे लिखा हुआ है आयान गोल्डन, आयान और हिमांशु। तो अभी हम लोग ग्वालियर आगरा हाईवे पे हैं। बीच बीच में अच्छे पैचेस मिल रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप कर ले रहे हैं, नहीं तो मोस्टली 60-70 पे चला रहे हैं। लगता है डैम है यहाँ पे कोई। काफी लोग रुके हुए हैं। डायवर्जन ले लिया अभी हमने, मेरे ख्याल से अब आगरा उस तरफ पड़ने वाला था। अभी हम लोग बाईपास से जा रहे हैं और हम लोग जाना चाहेंगे यमुना एक्सप्रेसवे से। कुछ टाइम पहले मैंने एक यूट्यूबर के वीडियो में देखा था कि यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा भी एक रास्ता है, वो भी काफ़ी अच्छा था। बट हम लोग ने आज तक यमुना एक्सप्रेसवे एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो ऑफकोर्स हम लोग वही प्रेफर करेंगे। तो अभी हम लोग सुरभि ढाबा एंड रेस्टोरेंट में रुके हैं। हमने कॉफ़ी सोचा, यहाँ कॉफ़ी पीते हैं, बट इनके पास कॉफ़ी है नहीं, तो इन्होंने हमें दूध ला के दिया है। कॉफ़ी पाउडर हम खुद कैरी कर रहे हैं, स्मार्ट मूव। हमारे पास शेफ आदल भाई, शेफ आदल भाई हमें कॉफ़ी बना के पिलाएंगे। तो कॉफ़ी पी लिया हम लोगों ने अभी यहाँ पे, अभी राइड कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग ने सोचा है कि ब्रेकफास्ट यमुना एक्सप्रेस वे के किसी रेस्टोरेंट में करेंगे। मिलते हैं रोड पर। साइलेंसर का नट लूज़ हो गया था, अभी टाइट कराया, गाड़ी का पूरा आवाज़ ही चेंज हो गया, बहुत लाउड साउंड कर रही थी गाड़ी अभी तक। अब हमें काफ़ी राइडर्स दिख रहे हैं जो मेरे ख्याल से तो लद्दाख ही जा रहे होंगे, और काफ़ी केरला तरफ से तो काफ़ी सोलो राइडर्स दिख रहे हैं हमें। ये थर्ड सोलो राइडर दिखा है जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, तो सीन कुछ ऐसा है अभी कि हमने यमुना एक्सप्रेस वे का रास्ता मिस कर दिया, तो इस वजह से हम जो उसका अल्टरनेट ऑप्शन है वहाँ से जा रहे हैं मथुरा होते हुए। और एस्टिमेटेड टाइम भी एक्चुअली ना इस रोड से कम दिख रहा है, तो हमने सोचा कि अब छोड़ो यमुना, रिटर्न आते वक्त देखेंगे। और ऐसे इंट्यूशन आ भी रहते क्योंकि आगरा जाने के कई टाइम तक हमको यमुना मिला नहीं। हमको जो मैप में, गूगल मैप में रास्ता दिखा रहा था, हम उसी से जा रहे थे, तो मुझे लगा भी कि शायद ये जो दूसरा रास्ता है उससे जा रहे हैं हम। बट ठीक है, कोई अफसोस नहीं इस बात का, आते वक्त यमुना से आ जाएंगे। आदिल अभी फ्यूल भराने गया है इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, तो हम लोग यहाँ थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तब तक। मोहन कैसा लग रहा है अभी राइड? कैसी लग रही राइड? मज़ा आ रहा ना? यकीन हो रहा है तुझे लद्दाखी मोहन?
हो गया क्या यकीन? अबे चला लिया, यकीन नहीं है। पूरा ब्लैक लावा के मार्क्स छप जा रहे हैं तेरे। 900 किलोमीटर चला लिया अपन ने। अभी दिल्ली यहाँ से 105 किलोमीटर है, हम दिल्ली बाईपास ही करके चंडीगढ़ जाने वाले हैं। थोड़े से डीम कर देते हैं रात में। GoPro अभी हम लोगों ने नॉर्मल अभी एक ब्रेक लिया था थोड़ा स्ट्रेचिंग के लिए। यहाँ से हमें पेरिफेरल एक्सप्रेस वे लगेगा और यहाँ से आगे से लेफ्ट लेंगे तो बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे। यहाँ पे खेत है और मोरों की काफ़ी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे दिखे नहीं हमें मोर, हमने कोशिश की बट दिखे नहीं। राइड अच्छी जा रही है अभी तक, मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पे। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ से, आजू बाजू मस्त खेत और रोड तो बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है जहाँ तक नज़र जा रही है सीधा ही रोड है। यार ये एक्सप्रेसवे इतना सही है, फुल ऑफ सीनरी। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, पूरा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सिर्फ पहाड़ दिख रहा है। स्पीड भी बहुत अच्छी मेंटेन हो जा रही है। वेव कर रहा था एक लड़का कार में से। अच्छा लगता है यार जब लोग ऐसा करते हैं तो, गुड जेस्चर। ओके अभी ऊपर चढ़ना है, मज़ा आने वाला है। क्यूसी मीटर में फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स कंप्लीटेड। फर्स्ट 1000 किलोमीटर्स ऑफ द ट्रिप। मीटर वापस रीसेट हो गया, अब ज़ीरो से चालू हो गया। इसमें 1000 के बाद सिंगल ट्रिप में मेजर नहीं होता है। यार बारिश आने लगी, वापस से GoPro अंदर रखना पड़ेगा। अभी हम लोग रोहतक के पास है, अभी लंच करने के लिए रुके हैं। काफ़ी देर से एक्सप्रेस वे पे राइड कर रहे थे, काफ़ी थक भी गए और भूख भी लग गई थी। आज हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया तो अभी सीधा लंच करते हैं। आलू गोभी दाल तड़का और तंदूरी रोटी। अभी खाने का आनंद लेते हैं और फिर मिलते हैं रोड पर। तो हम लोग अभी रोहतक के पास से निकल गए हैं, पानीपत होते हुए चंडीगढ़ जाने वाले। अभी चंडीगढ़ है 245 किलोमीटर्स और रास्ता तो अच्छा लग रहा है। आई जस्ट विश कि यहाँ से चंडीगढ़ तक का पूरा ही रास्ता अच्छा हो, क्योंकि पता नहीं यार आज थोड़ी सी थकान लग रही है। थकान नहीं, एक्चुअली खाना खा लिया है ना अभी जस्ट, और अच्छे से खा लिया है यार आज तो थोड़ा सा आलस आ रहा है। देखते हैं कैसा रहता है रास्ता। अभी हम लोग शायद पानीपत में हैं, थोड़ा थक गए तो हम लोग ने सोचा कि एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि हर 50-60 किलोमीटर में ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि इतने जल्दी बॉडी टायर हो जा रही है। देखते हैं, अभी सोच रहे हैं कि आराम से बचा हुआ, मतलब 185 किलोमीटर्स बचे हैं तो 185 किलोमीटर्स हमने सोचा है कि आराम से ही कवर करेंगे। बहुत गर्मी है, पसीना छूट रहा है लिटरली। रेड बुल। अभी दोबारा से हिम्मत जुटा के अपनी राइड कंटिन्यू करेंगे। अभी हम एक्चुअली ना नींद आने लगी थी थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि आँख बंद हो रही थी या कुछ भी, बट ना यॉन कर रहे थे, मैं तो कर रहा था पर्सनली। तो फिर हम लोगों ने रेस्ट ले लिया और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है राइड पे। कोई भी अगर थका हुआ फील कर रहा हो या नींद आ रही हो तो रेस्ट कर लो थोड़ी देर, आपस में बात बात कर लो, जब फ्रेश लगे तभी राइड करना चाहिए। ये काफ़ी सारे राइडर्स ने टिप्स दिया है हमें, तो यही फॉलो करते हुए अब हम अपनी राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। 185 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, 5 बज रहे हैं। वैसे हमें पहुंचने में टाइम तो हो जाएगा, इतना तो पक्का है। हमने अभी एक और ब्रेक लिया था कुछ 80-85 किलोमीटर्स कवर करने के बाद। अभी जो होटल है हमारा यहाँ से 97 किलोमीटर्स है, पहुँचने में अंधेरा तो हो जाएगा बट ठीक है, आराम से जाएंगे अभी हम। अभी हम लोग जब होटल में खड़े थे तो हमारे सामने से मस्त बहुत सारे राइडर्स गए, मेरे ख्याल से कुछ 15
18 राइडर्स गए, अच्छा लगा देख के, नहीं तो रास्ते पर बस एक दो दिख रहे थे। राइडर्स दिखते तो अच्छा लगता है कि चलो बहुत लोग जा रहे हैं, थोड़ा और इंसान मोटिवेट हो जाता है। फर्स्ट डे 700 किलोमीटर राइड किया, 710-715, तो ऐसा लगा अरे वाह ये तो इजीली हो गया। बट यार फर्स्ट डे ना एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, उसके बाद से मेरे हिसाब से बॉडी थकने लगती है। तो आज का जो हमारा 615 किलोमीटर्स का राइड था, ये मुझे कल से ज़्यादा टफ लग रहा है। टफ नहीं, रोड अच्छे हैं नो डाउट, बस ऐसा लग रहा है कि बॉडी जल्दी थक रही है। वी आर फुल्ली चार्ज्ड, एक ब्रेक लिया और सब वापस से रिफ्रेश हो गए। बहुत ही मज़ा आ रहा है वापस से राइड करने में, थकावट होती रहती है थोड़ा सा वो टाइम पे, मोरल डाउन होता है, बट फिर से एक बार छोटा सा ब्रेक ले लो, सब चार्ज्ड अप हो जाते हैं एंड देन वी आर रेडी टू राइड। यही मज़ा है यार, अगर इंसान थकता नहीं तो चैलेंजिंग कैसे होता है ये राइड। आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ दिस राइड। अभी अंधेरा हो गया है, अच्छा है फॉग लाइट्स इंस्टॉल कर लिया था, बहुत अच्छा थ्रो मिल रहा है, विजिबिलिटी अच्छी है। राइड कर रहा था अभी मैं, इससे ज़्यादा स्पीड में था मेरे ख्याल से, अभी हूँ मैं 77 पे, वो टाइम पे 85 पे होऊंगा, और एकदम से रास्ते के डिवाइडर से कुत्ता आ गया और क्रॉस करने लगा राइट टू लेफ्ट। ओ माय गॉड, इतना नैरो एस्केप था ना, आई रियली थैंक गॉड बच गया मैं। हार्ट बीट फास्ट हो गई मेरी उसके बाद से, अभी बहुत आराम से, मतलब तभी भी बहुत ही कॉन्शियसली राइड कर रहा था मैं, इसलिए बच गया, वरना पक्का कुत्ता चक्के के नीचे आता, मैं डिसबैलेंस होके गिरता। तो अभी हम अपने रूम में पहुंच गए चंडीगढ़ के, आई गेस ये सेक्टर 45 में है ये रूम। हाय गाइस, अभी हम अपने होटल में चेक इन कर चुके हैं, होटल का नाम है ओरिएंट व्यू। रूम तो बहुत अच्छा मिला है, ये एक डबल बेड है और एक वहाँ पे भी डबल बेड है, तो हम तीनों के लिए ये रूम तो मोर देन सफिशिएंट है। एसी है, बाथरूम भी बहुत अच्छा है, टीवी भी लगी हुई है, और हम लोग थोड़े थक चुके हैं तो अभी चेंज वेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद ये हमारे होटल की लॉबी। लकीली बहुत ही अच्छा होटल मिल गया, जहाँ हम पहले गए थे उसके कंपेरिजन में तो बहुत अच्छा है। बाल यार बहुत ज़्यादा मैसी हो गए, बलकलावा पहन के। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, समय हो रहा है मेरे ख्याल से 10:15, देखते हैं कुछ आसपास में खाने के लिए, फिर पार्सल लेके रूम में आ जाएंगे। हम लोग अपना डिनर लेके आ गए रूम पे ही, अभी डिनर करेंगे और फिर आराम करेंगे। कल आरटीपीसीआर तो हमें मिला नहीं, कल सुबह आरटीपीसीआर के लिए जाएंगे सुबह। थैंक यू भैया, डिनर आ गया है। कल आरटीपीसीआर सुबह कराएंगे, दोपहर तक रिपोर्ट आ जाएगी। कल हमारा प्लान है उधमपुर जाने का और परसों उधमपुर से श्रीनगर, तो मिलते हैं कल। गुड नाइट।